जय ओम मनारीसा मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल टॉप बट्टू पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने आपके सामने जितने भी ओम मनासा की चमत्कारिक घटनाएं रखी, उसका आपने हमें भरपूर प्यार दिया और हमारा सपोर्ट किया। इसलिए आप सभी को एक बार फिर मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा। आज हम आपके बीच एक और चमत्कारिक घटना लेकर आए हैं, जो चोटीला धाम पर नहीं बल्कि ये घटी थी मेवाड़ के एक छोटे से गांव बलीचा में, जिस चमत्कार के बाद ओम मनासा का दूसरा धाम बना बलीचा धाम। तो चलिए बढ़ते हैं उस सच्ची चमत्कारिक घटना की ओर। इससे पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें, और अभी तक इस चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। इस वीडियो में हम व्यक्ति का नाम गुप्त रखेंगे। करण सिंह नाम का एक शख्स था, जो उम्मना का परम भक्त था और उदयपुर में कॉलेज की पढ़ाई करता था। करण सिंह चाहता था कि उम्मना का मंदिर बलीचा में भी बने और उम्मना के नाम के कार्यक्रम हो, ताकि उम्मना सा की ज्योत बलीचा में भी जलती रहे। ये विचार कई दिनों से करण सिंह के मन में चल रहा था, लेकिन धन के अभाव के कारण ये करना मुमकिन नहीं हो पा रहा था। एक दिन करण सिंह के सपने में साक्षात उम्मना सा आए और उन्होंने करण सिंह से कहा कि आप हमारे नाम का एक भव्य कार्यक्रम करवाइए, आपको धन का अभाव बिल्कुल भी महसूस नहीं होगा। इसके बाद सुबह करण सिंह ने तुरंत दोस्तों के साथ इस बात को शेयर किया और सभी ने थोड़ी थोड़ी धनराशि जोड़कर एक भव्य कार्यक्रम करवाया। मगर करण सिंह को थोड़ा डर सता रहा था कि कहीं कार्यक्रम में कोई कमी नहीं रह जाए, मगर उन्हें ओम मनासा पर पूर्ण विश्वास था। इसके बाद उस भव्य कार्यक्रम में चढ़ावा इतना आया कि करण सिंह को विश्वास भी नहीं हो रहा था, जो एक मंदिर बनाने के लिए काफी था। अब करण सिंह ने ठान लिया था कि बलीचा में ओम मनासा का दूसरा धाम बनाना है। अब करण सिंह को मंदिर बनाने के लिए भूमि भी मिल गई थी। करण सिंह पढ़ाई के साथ साथ मंदिर का कार्य भी करवा रहे थे। करण सिंह ने उस जमीन पर पत्थर डलवा दिए थे, मगर अभी तक कार्य प्रारंभ नहीं करवाया था, कारण उनके एग्जाम चल रहे थे। तभी करण सिंह के फोन पर कॉल आया कि कोई व्यक्ति उस जमीन पर रखे पत्थरों को ट्रैक्टर में भरकर ले जा रहा है, मगर करण सिंह अपने एग्जाम को छोड़कर नहीं आ पा रहा था। तब करण सिंह ने ओम मनासा को याद करते हुए कहा कि दाता, अब सब आपके ऊपर है। इसके बाद करण सिंह जब मंदिर बनाने वाली भूमि पर गया तो वहां जाकर सुनने को मिला कि जब ट्रैक्टर ड्राइवर पत्थर लेके जाने की कोशिश कर रहा था, तभी एक व्यक्ति ने आकर ट्रैक्टर वाले को रोका, मगर वह नहीं माना तो तभी ट्रैक्टर की ट्रॉली का हाइड्रोलिक सिस्टम फट गया। इसके बाद उस ट्रैक्टर ड्राइवर ने एक अन्य ट्रैक्टर को बुलाया तो साथी ड्राइवर ने कहा कि तू पागल हो गया है क्या, तू ओम मनासा के पत्थर क्यों लेकर जा रहा है, ये चमत्कारिक देव है, इनके मैंने कई चमत्कार देखे हैं, तू ओम मनासा के पत्थरों की चोरी कर रहा था, तभी तेरे ट्रॉली का हाइड्रोलिक सिस्टम फटा है, देख ले इनका चमत्कार। इसके बाद उस ट्रैक्टर ड्राइवर ने ओम मनासा से माफी मांगी और माफी के रूप में 4 ट्रॉली पत्थर बलीचा धाम के निर्माण के लिए डाले। ये थी मेवाड़ के बलीचा धाम की चमत्कारी घटना, जो ओम मनासा ने साक्षात आकर चमत्कार दिखाया था। आपको ओम मनासा की ये चमत्कारी घटना कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ओम मनासा के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और हाँ, आपको विशेष हम बताना चाहेंगे कि अगर आपके साथ भी ऐसी ही कोई घटना घट चुकी हो तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी topbattu@gmail.com पर लिखकर भेजें। अगले वीडियो में हम आपके नाम के साथ उस घटना को वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तब तक के लिए अलविदा, टेक केयर, जय ओम मनारीसा।